हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चैनल ऑफ के वी टीचर्स है इस चैप्टर की चैप्टर टू तो यू हम एनसीआरटी के क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें कि कुछ वर्कशीट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की एंड देन दे बी अक्विज जिसमें कि आपका टेस्ट होगा कितने कि अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है तो उन वीडियोस को आप मिस ना करें उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे राइट साइड में लिखा होगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ओके लेट्स बिगिन नाउ डिफेंस ऑफिसर वहीदा पिक्चर भी आपको दी हुई है साइड में और पहला क्वेश्चन यही पूछा हुआ है हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ क्या आपने कभी इनकी फोटो कहीं देखी है देखी है तो यू विल राइट अदरवाइज नो शी इज लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म देखिए लेफ्टिनेंट की पहले तो स्पेलिंग देख लीजिए बिकॉज इसमें आप बहुत गलती करते हैं लेफ्टिनेंट बोला जाता है बट लिखा ल्यूटिनेंट जाता है एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी ओके लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है ये डॉक्टर इन द इंडियन नेवी इंडियन नेवी की एक डॉक्टर है शी इज वन ऑफ द फ्यू वुमेन हुक्ड ऑन द नवल शिप ये उन कुछ वुमेन में से है जिन्होंने शिप पर काम किया है नेवी का जो शिप होता है उस पर काम किया है शी इज दुमन टू लीड अ पर पहली वुमेन थी जिन्होंने इंडिया, इंडियन नेवी की जो परेड थी उसको लीड किया था दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन आर्म फोर्सेज और परेड को लीड करना आर्म फोर्सेज में एक बहुत बड़ा ऑनर माना जाता है वो इन्होंने किया था लेफ्टिनेंट ऑफिस जो कमांडर वेरी स्मॉल थाना मंडी में एक बहुत ही छोटे गांव से आती हूँ जिसका नाम है थाना मंडी दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से है. आई डिड माई स्कूलिंग फ्राम अ गवर्नमेंट स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल से यह पढ़ी हुई है अपनी स्कूलिंग की उन्होंने मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल इनके गाँव की काफ़ी लड़कियाँ इनके स्कूल में पढ़ती थी हाउ एवर फ्यू ऑफ देम एवर थोट ऑफ वॉट दे वुड डू लेकिन उन्होंने बहुत उनमें से बहुत कम ने सोचा कि वो स्कूल फिनिश होने के बाद क्या करेंगे आफ्टर फिनिशिंग स्कूल आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ मैं हमेशा से ही कुछ स्पेशल बनना चाहती थी और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज में हायर स्टडीज में बहुत इंटरेस्टेड थी एंड वॉन्टेड टू कम्पलीट देंथ क्लास और अपनी टेंथ क्लास कम्पलीट करना चाहती थी इन माई एरिया इट वॉज अ न्यू थिंग एट दैट पास करना भी उस टाइम में एक बहुत बड़ी बात थी इनके एरिया में माई मदर एंड फादर हैॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस मेरे मदर फादर को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस वजह से क्योंकि ये पढ़ना चाहती थी वी इवन हैव टू मूव आउट ऑफ आर विलेज हमें अपने गाँव से भी जाना पड़ा

जब मैं छोटी थी तब भी मैं कुछ अलग ही करना चाहती थी आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल मुझे मोटरसाइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था वी आर थ्री सिस्टर्स हम तीन बहनें हैं माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर और मेरे फादर चाहते थे कि हम में से एक तो क्या बने डॉक्टर बने एंड वन अ टीचर और एक टीचर ज़रूर बने ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स और वो चाहते थे कि तीसरी बेटी जो है वो लॉयर बने या फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज़ इन जम्मू पुलिस फोर्स मैं तो डॉक्टर बन गई इंडियन नेवी में और उनकी जो सिस्टर है वो जम्मू पुलिस फोर्स में है नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर आप डॉक्टर कैसे बनी आई वर्क वेरी हार्ड वो तो करना ही पड़ता आप कुछ भी अगर लाइफ में अचीव करना चाहते हैं मैंने बहुत मेहनत की माई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर हेल्प हेल्प मी अलॉट मेरे फ्रेंड्स ने और फैमिली मेम्बर्स ने मेरी बहुत हेल्प की आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज एंड आई स्टडीड फॉर फाइव ईयर्स एंड डिड माई एम बी बी एस मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया पांच साल तक पढ़ाई की और अपनी एम बी बी एस कंप्लीट की हाउ डिड यू गेट इन टू द डिफेंस फोर्स डिडेंट यूर फैमिली स्टॉप यू आप डिफेंस फोर्सेज में कैसे आए कि आपकी फैमिली ने कभी आपको रोका नहीं तो वहीदा कहती है ओ नो दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द दोर्सेज वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी अरे नहीं नहीं उन्हें लगता है कि मेरे लिए डिफेंस की जॉब सबसे अच्छी है वेन आई वॉज वेरी स्मॉल जब मैं बहुत छोटी थी आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन आर विलेज मैं अपने गांव में आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी आई वॉन्टेड टू बी लाइक देम और मैं उनकी तरह ही बनना चाहती थी दिस वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सपना था वाइल्ड इन स्कूल जब मैं स्कूल में भी थी आई अटेंडेड कैंप्स मैं कैंप्स अटेंड करती थी क्लाइम माउंटेंस माउंटेन्स क्लाइम करती थी एंड वॉज अ गर्ल गाइड और एक गर्ल गाइड भी थी जैसे कि स्काउट्स एंड गाइड होते हैं आपके स्कूल्स में भी आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर जब मैं एक डॉक्टर बन गई आई अपियर फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस मैंने मैं एक इंटरव्यू में गई आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए आई गॉट सेलेक्टेड देयर मैं वहां पर सेलेक्ट हो गई एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर सिक्स मंथ्स फिर मुझे सिक्स मंथ्स की ट्रेनिंग मिली ये देखिए यहां पर ये रिगार्डिंग uh, ट्रेनिंग कुछ हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी आपने इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन की डू नॉट डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन नेवल शिप क्या आपको नेवल शिप पर रहना नहीं पड़ता नेवी uh, की जो जॉब है उसमें लोगों को जनरली जो काम करते हैं वो शिप्स पर ही रहते हैं नेवी के जो शिप्स होते हैं तो वहीदा बताती है वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग मैं ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझे बहुत पसंद है आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस मुझे अलग अलग जगह देखना अच्छा लगता है आई वॉन्ट टू गो फार ऑफ प्लेसेस मैं दूर जगहों पर जाना चाहती हूँ आई वॉज बॉर्न इन hills. मैं हिल्स में पैदा हुई क्योंकि जम्मू कश्मीर में पैदा हुई थी एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी और अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ आई रियली इन्जॉय इट और मैं इसको बहुत इंजॉय भी करती हूँ वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव on a शिप बहुत कम लेडी ऑफिसर्स ने शिप पर काम किया है आई एम वन ऑफ देम और मैं उनमें से एक हूँ Earlier पहले तो वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो नवल शिप्स वुमेन को नवल शिप्स पर जाना अलाउ ही नहीं किया जाता था वेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन और जब ये अपॉर्चुनिटी दी गई आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड मैं अपने आप आगे गई और गिव माई नेम और मैंने अपना नाम दिया कि मैं जाऊँगी आई इवन वेंट टू गो इन सब मरीन मैं तो सबमरीन में भी जाना चाहती हूँ सबमरीन uh, होती है जो कि आपने देखोगा पानी के अंदर जो चलती है शिप ऊपर चलता है फ्लोट करता है वो अंदर रहती है आई वेंट टू डू एवरी थिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू मैं वो हर चीज़ करना चाहती हूँ जो लोगों को लगता है कि वुमेन नहीं कर सकती एट प्रेजेंट वन आर नॉट अलाउड टू गो इन सब मरीन अभी वुमेन को सब मरीन में जाना अलाउड नहीं है बट वेन एवर इट इज अलाउड लेकिन जब भी वो अलाउ होगा आई विल सर्टेनली गो मैं बिल्कुल जाऊंगी अगला क्वेश्चन है सो वॉट हैपन टू योर डिग्री ऑफ एम बीबीएस आपकी एमबीबीएस की डिग्री का क्या हुआ आइए मैं डॉक्टर मैं डॉक्टर हूं बट इन इंडियन नेवी अनवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स अब अगर आप आ, नेवी में हैं तो वहां पर पेशेंट्स को आपको सिर्फ दवाई नहीं देनी होती शी इज़ इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर वो एक मेडिकल ऑफिसर है वहां पर द शिप गोज टू सी फॉर थ्री फोर मंथ्स एट अ टाइम आप जानते हैं शिप जब जाता है तो तीन चार महीने तक आपको कॉन्स्टेंट शिप पर ही रहना पड़ता है देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरी वन ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्दी ये मेरी जिम्मेदारी है कि शिप पर सभी लोग फिट और हेल्दी रहे आई कैरी आउटिसिन मेडिकल चेकअप ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स जितने भी ऑफिसर्स हैं उसमें जो सेल कर रहे हैं सेलर्स हैं उन सभी का मेडिकल चेकअप ये करती है और उनके रिकॉर्ड रखती है अपने पास आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर और मैं ये भी मेक श्योर sure करती हूँ दैट नो गार्बेज कलेक्ट एंड देर आर नो राइ भी कूड़ा इकट्ठा ना हो और कोई भी वहां पर शिप्स के ऊपर राट ना हो रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज रैट्स और गार्बेज से क्योंकि बीमारी फैलती है आई मस्ट कीप एवरी बॉडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप मैं हमेशा तैयार रखती हूँ सभी को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए शिप पर इन केस देर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप अगर शिप पर कोई एक्सीडेंट होता है जैसे कि सच एज फायर एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट सब लोग इसके लिए तैयार होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है इज देर अस्पिटल ऑन द शिप आप डॉक्टर हैं तो क्या शिप में हॉस्पिटल भी होता है वा कहती है फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी शिप हर एक नेवी के शिप पर फर्स्ट एड दिया जाता है ईच शिप हैज वन डॉक्टर डॉक्टर हर शिप पर एक होता है एंड टू और थ्री असिस्टेंट्स और उसके दो तीन असिस्टेंट्स होते हैं नेसेसरी मेडिसिन आर ऑल्सो अवेलेबल कुछ जरूरी जो मेडिसिन इक्विपमेंट्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं ऑल दीज थिंग्स आर इन अ स्मॉल रूम और वो एक छोटे से रूम में रखे जाते हैं अगला क्वेश्चन है यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड पासिंग आउट परेड यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर इट आप पहली वुमेन थी जिस जिन्होंने कि एक पासिंग आउट परेड को लीड किया था ये पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई भी हुई है ये देखिए है।, है ना पीछे मैन है और ये वुमेन है जो कि इसको इनको लीड कर रही है इस परेड को तो इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी भैिदा कहती है माई सीनियर गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर थ्री ईयर्स मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरी उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस तीन साल तक देखी और फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आई फेल्टेपी दैट दे मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे चूज किया एंड शोड फेथ इन मी और मुझ में फेथ दिखाया सो आई प्रैक्टिस वेरी सिंसेरली इसलिए मैंने भी बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस की टेल एस समथिंग अबाउट दिस परेड दैट परेड उस परेड के बारे में कुछ बताइए तो वही था बताती है इन दैट परेड फोर प्लेटून्स मार्च बिहाइंड लीडर चार प्लेटून्स जो है वो लीडर के पीछे वो करते हैं परेड कर रहे थे Platoons कहते हैं एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को जिसको आप हिंदी में टुकड़ी भी बोलते हैं एक छोटा सा ग्रुप जो होता है ऑफ सोल्जर्स तो सोल्जर्स के चार ग्रुप्स थे जो कि उनके पीछे क्या कर रहे थे परेड कर रहे थे थर्टी सिक्स कमांड्स द एंटायर परेड पूरी परेड में थर्टी सिक्स कमांड्स देनी होती थी कमांड आप जानते हैं सल्यूट हैंड्स डाउन लेफ्ट राइट कुछ ऐसे जो कमांड्स होती हैं तो थर्टी सिक्स कमांड्स थी देर मस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस और वो कमांड्स बहुत लाउड वॉइस में देनी होती है सो दैट इट इज टू बी हर्ड टिल द रेयर किस जब से लास्ट में खड़ा हुआ पर्सन उसको भी सुनाई दे द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन दी अदर साइड ऑफ द ग्राउंड और ग्राउंड के दूसरी तरफ जो स्पेक्टेटर्स स्पेक्टेटर्स मतलब होता है जो लोग देखने आए हैं परेड को वो बैठे हुए हैं उन तक भी उसकी आ, उनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए ओके okay? तो इसलिए परेड की जो जो परेड को लीड करता है वो जो कमांड्स देता है कि पीछे जो लोग चल रहे हैं परेड कर रहे हैं उनको क्या करना है वो बहुत लाउड वॉइस में दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया डिडेंट यू फील नर्वस ड्यूरिंग दैट ड्यूरिंग सॉरी लीडिंग फोर प्लेटून आप चार प्लेटून को लीड कर रही थी चार सेना की टुकड़ी को क्या आप नर्वस नहीं हुई तो वहीदा बताती है आई वॉज नॉट नर्वस मैं नर्वस तो नहीं थी बट वन हैड टू शाउट थर्टी सिक्स कमांड्स लेकिन थर्टी सिक्स कमांड्स को आपको शाउट करना है ज़ोर से इफ़ यू फॉरगेट इवन वन अगर आप एक भी भूले द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल तो पूरी जो परेड है वो खराब हो सकती है स्पॉयल हो सकती है प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग मैं रोज सुबह प्रैक्टिस करती थी और इवनिंग में भी फॉर अ मंथ एक महीने तक रोज सुबह शाम इन्होंने प्रैक्टिस की बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड इन स्कूल लेकिन मैं परेड में तो मैं स्कूल के टाइम से ही पार्टिसिपेट कर रही थी अगला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम आपके नाम मेन का पूरा नाम है वहीदा प्रिज्म प्रिज्म का क्या मतलब है तो वहीदा बताती है माई फादर गेव दिस नेम टू मी मेरे फादर ने मुझे ये नाम दिया है अब प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट सेवन कलर्स प्रिज्म अगर आपने देखा है एक ग्लास होता है जो कि अगर आप सन रेज को रख दो तो वो सन रेज को सेवन डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देता है आप जानते हैं धूप जो है सन रेज जो है वो सात कलर्स को मिलके बनती है जो विबग्योर है आपका वही सेवन कलर्स हैं तो एक तो ये काम आपकी रेन ड्रॉप्स जो होती है वो करती है वो उनको अलग करके रेनबो बना देती है एक ये काम प्रिज्म भी करता है तो प्रिज्म क्या है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में और इसको स्टार भी लगा लीजिए प्रिज्म एक ग्लास है जो कि सेवन कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है माय फादर वांटेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म मेरे फादर चाहते थे मैं प्रिज्म की तरह हूँ एंड दैट इज़ व्हाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माय चाइल्डहुड इट इसलिए उन्होंने मुझे मेरे बचपन से इसी नाम से बुलाना शुरू किया चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है क्या कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो डिफेंस सर्विसेज में है क्या वो नेवी में है आर्मी में है एयरफोर्स में या आपको खुद लिखना है वॉट वर्क डू दे वो फोर्स में क्या काम करते हैं वुड यू लाइक टू तो ज्वाइन डिफेंस डिफेंस फोर्सेज डिफेंस सर्विसेज़ क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे और जाएंगे तो किस में जाएंगे आर्मी में नेवी में या फिर एयर फोर्सेज में आर्मी लैंड के ऊपर लड़ती है नेवी जो है वो सी एंड ऑल इन सब को देखती है शिप्स में रहती हैं और एयरफोर्स तो आप जानते हैं हवा का काम है तो आप किस में जाना चाहेंगे वो आपको बताना है इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वेयर यूनिफॉर्म एज डिफेंस सर्विसेज आप जानते हैं डिफेंस में लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं और किन सर्विसेज में लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं ऐसे यूनिफॉर्म जो है वो एक तो पुलिस आपने देखा होगा उसमें यूनिफॉर्म पहनते हैं इन्हीं फोर्सेज की तरह ही और एक पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती है उनमें भी यूनिफॉर्म पहनी जाती है बिल्कुल जो थ्री आपके डिफेंस फोर्सेज हैं उन्हीं की तरह ही मिलिट्री फोर्सेज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वहीदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी वहीदा इंडियन नेवी में डॉक्टर थी कैन यू नेम फाइव अदर ऑक्यूपेशन इन अ नेवी नेवी में और कौन कौन लोग काम करते हैं नेवी में कुक्स भी काम करते हैं जो वहाँ के लोगों के लिए खाना बनाते हैं जो लोग शिप पर रहते हैं क्लीनर काम करते हैं जो कि साफ़ सफाई करते हैं वहाँ की आ, डाइवर्स काम करते हैं जो कि डाइव करते हैं पानी में आ, उसके बाद पायलट काम करते हैं जो कि उसको चलाते हैं शिप को उसके बाद नर्स काम करती हैं उसमें जो कि फर्स्ट एड देती है ओके इनके असिस्टेंट जो होते हैं डॉक्टर्स के तो ये पांच ऑक्यूपेशन आप लिख देंगे जो कि वहां पर काम करते हैं क्या आपने कभी परेड देखी है होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल आपको आपके स्कूल में एक परेड ये ऑर्गेनाइज करानी है तो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ डू यू नो एनी वुमेन हु हैज डन समथिंग अनयूजअल क्या आप किसी उसके बारे में जानते हैं जिसने पर्सन के बारे में जिन्होंने कुछ अनयूजअल काम किया हो टॉक टू हर इन द सेम वे ऐसे उनसे बात करिए जैसे यहाँ पर वहीदा से की गई है वहीदा प्रिज्म से और अपना एक क्वेश्चनअर आपको तैयार करना है सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है होपफुली आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा एंड दैट्स ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट टू वीडियोज़ टू कम